हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चारग्राफ्स रूल के बारे में जानेंगे। चारग्राफ्स रूल वॉज प्रपोज्ड बाई एरविन चार्गाफ, और ये रूल जो है वो डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बेस कॉम्पोजिशन के ऊपर है। ठीक है, तो ये रूल एरविन चार्गाफ ने प्रपोज किया था। उन्होंने ये रूल सबसे पहले एक लेक्चर में डिलीवर किया था जून 1949 में। उसके बाद वो फर्स्ट पब्लिश हुआ था मई 1950 में। उन्होंने कहा था कि इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए द कंसेंट्रेशन ऑफ एडेनिन वाज ऑलवेज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ थाइमिन। मतलब डीएनए डबल स्टैंडर्ड जब होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है लेकिन उसमें ये रूल नहीं चलेगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन के कंसेंट्रेशन हमेशा थाइमिन के कंसेंट्रेशन के बराबर रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसमें दो एंटी पैरेलल स्टैंड्स होते हैं। तो इसमें अगर इस तरफ ए रहेगा तो ऑपोजिट स्टैंड में हमेशा टी रहेगा, इधर टी रहेगा तो उस तरफ ए रहेगा। तो ऑब्वियसली एडेनिन के कंसेंट्रेशन थाइमिन के बराबर होगा। और क्या कहा था उन्होंने, और कहा था द कंसेंट्रेशन ऑफ गुआनिन वाज ऑलवेज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। ये भी ज़रूर होगा, क्योंकि इस तरफ गुआनिन रहेगा तो ऑपोजिट स्टैंड में साइटोसिन रहेगा, इस तरफ साइटोसिन रहेगा तो ऑपोजिट स्टैंड में गुआनिन रहेगा। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन वॉज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ पायरिमिडिन्स। पायरिमिडिन्स मतलब साइटोसिन और थाइमिन। तो डीएनए में एडेनिन और गुआनिन का टोटल कंसेंट्रेशन थाइमिन और साइटोसिन के टोटल कंसेंट्रेशन के बराबर होगा। ये भी ठीक ही कहा था, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन बराबर है, गुआनिन और साइटोसिन बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों के बराबर ज़रूर होगा। ठीक है, तो यही जो नाइट्रोजनस बेस का जो इंटर रिलेशनशिप है, इसी को हम लोग चारग्राफ्स रूल के बारे में जानते हैं, चारग्राफ्स रूल के नाम से जानते हैं। तो चारग्राफ्स रूल से जुड़ा हुआ कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आ सकता है। सपोज इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए द कंसेंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज 30%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गुआनिन। तो ये प्रॉब्लम इस चारग्राफ्स रूल से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, एडेनिन का कंसेंट्रेशन 30%, अब एडेनिन और थाइमिन सेम होता है, मतलब थाइमिन भी 30%। अब एडेनिन प्लस थाइमिन हो गया 30 + 30 यानी 60%। तो गुआनिन और साइटोसिन का जो कंसेंट्रेशन वो होगा 100 - 60% इज इक्वल टू 40%। इसका मतलब गुआनिन होगा 40% का हाफ यानी 20%। तो आसान सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम हम लोग चारग्राफ्स रूल को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल, वो सवाल है कि इन ए डीएनए गौर से सुनिए, इन ए डीएनए द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स इज 55%। इन ए डीएनए द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स इज 55%। इज इट पॉसिबल? इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके दीजिए। ठीक है, और आपका जवाब देखने के बाद मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। थैंक यू।